मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी मारवाड़ी भाषा में। गाज माता व्रत की उजमन विधि। भादवा सुधी चौदस में गाज को उजमन करे। जी की साल लड़को होवे या लड़का को विवाह होवे, वो साल लड़का की माँ अच्छो वार देख कर उजमन करे। ई दिन व्रत करे, कहानी सुने, एक जल के लोटा पर साथियों करे। सात गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुने, पीछे सात जगह चार चार पूड़ी, थोड़ो थोड़ो सीरो, ओढ़नो, कब्जो और रुपया पर हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। जल के लोटा से सूरज भगवान ने अर्घ्य देवे, सात ब्राह्मणिया ने जिमावे, जीकिया ने सातु सीरा पूड़ी की कुड़ी घाल देवे, दक्षिणा देवे, पीछे आप जीम लेवे। गाज माता की कहानी। एक राजा रानी था, दोनों जना महल में सोता था। जी की गाज माता बहुत जोर से गाजी तो रानी बोली, हे गाज माता, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो तेरे सिरा की कढ़ाई कर देऊं। पीछे रानी नहाई रहेगी। थोड़े दिन बाद रानी बोली, हे गाज माता, मेरे बेटो हो जावे तो मैं दो सिरा की कढ़ाई करूं। रानी के बेटो भी हो गो पर वह कढ़ाई करी कोनी। गाज माता सोची कि या तो आपने भूल गी। सो एक दिन गाजती घोड़ती आई और पालना सहित लड़का ने उठाकर ले गी। एक भील भीलनी था, जीना के घरा पालनो ले जाकर रख दियो। वो बहुत गरीब था और उना के बच्चा भी कोनी था। दोनों जना जंगल में गयोड़ा था। आकर लड़का ने देखा तो बहुत राजी होया और उना खिलाने लाग्या। एक धोबी तो जी को राजा का और भील का कपड़ा धोतो। बठी ने राजा के घर में रोलियो हो रो थो कि गाज माता लड़का ने उठाकर लेगी। तब धोबी बोलियो, एक लड़को पालना में भील के घरा सूत्यो है। राजा भील ने बुलाकर पूछियो कि लड़को तेरे अठे कहिया आयो। भील बोलियो कि मैं गाज माता को व्रत करता, महाने तो वाही दियो है। जब रानी ने याद आयो कि मैं भी दो सिरा की कढ़ाई बोली थी पर करी कोनी, जी के सही मारो बेटो चलो गयो। रानी बोली कि हे गाज माता, मारो बेटो पाछो ला दे, मैं जितनी कढ़ाई बोलिया हाँ उसे दूनी करांगा। रानी ने गाज माता को खूब धूमधाम से उजमन करियो। गाज माता लड़का ने पाछो ला दियो। पाछे भील भीलनी के भी धन और लड़को हो गयो। राजा सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई जाए ब्याहे को गाज माता को उजमन करियो। हे गाज माता, जिसो रानी ने भीलनी ने लड़को दियो, धन दियो, बिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदाइक जी की कहानी। एक ब्राह्मण तो जी को सुदिया उठकर गंगा जी नहातो और आकर बिंदाइक जी की पूजा करतो। बीगी लुगाई ने पूजा करनी अच्छी कोनी लागती। वह रोज गुस्सा होती और कहती कि सबेर पहली पूजा करने बैठ जावो हो, मैं झाड़ू भारो और घर को काम कहिया करूं। ब्राह्मण बीगी सुनतो कोनी। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहान गयो थो, पीछे से ब्राह्मण ने बिंदाइक जी ने छुपा दी। ब्राह्मण आकर पूछो कि मूर्ति खटे गई। ब्राह्मणी बोली कि मैं न तो बेरो कोनी। ब्राह्मण रोटी पानी कोनी खायो, कहो कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी बोध कहो कि खा लो पर वो खायो कोनी और रोन लाग्यो। दोनों ने रोता झगड़ता देखकर बिंदाइक जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी गुस्सा में आकर बोली कि मूर्ति वा पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करो, मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता तने बहुत दिन होगा, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है जी के सारा मांगू। बिंदाइक जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रखकर पूजा करने लाग्यो। ब्राह्मणी ने इतनो धन अन्न मिलने से उन्हें भी पूजा करने में श्रद्धा जागी और वह ब्राह्मण ने बोलकर मूर्ति घरा में लाई और खूब प्रेम से पूजा करने लागी। हे बिंदाइक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण ने सुख दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय बिंदाइक जी महाराज।